आज सुबह मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि हमारा चित्र परमेश्वर ने अपनी हथेली पर बना रखा है, कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बनाया है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कह रहा है, यशायाह उसका 49 और 14 15 16 पद में, सियोन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया है और मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसे कठिन समय आता है या फिर ऐसी सिचुएशन से हमें गुजरना पड़ता है जहां हम सोचते हैं कि मानो परमेश्वर हमें भूल गया है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, वो हमें भूल गया है, उसने हमें छोड़ दिया है, उसने हमें त्याग दिया है, वो हमारी प्रार्थनाओं को अब नहीं सुनता। मैं कितना भी आंसू बहाता हूँ, कितना भी उपवास करता हूँ, कितनी भी प्रार्थनाएं करता हूँ, परंतु उनका उत्तर अब नहीं आता है। लोग मुझ पर लड़ने के लिए आते हैं, लोग मुझ पर अंधेर करते हैं और परमेश्वर चुप रहता है। परमेश्वर मेरी ओर से नहीं लड़ता है या फिर परमेश्वर मेरा न्याय नहीं करता है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है। एक बार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन में भी ऐसी घटना आई जब वो जेल में बंद था और उसे ऐसा लगा कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे त्याग दिया है, मुझे भूल गया है। इसलिए उसके मन में डाउट आया और उसने अपने चेलों को यीशु मसीह के पास भेजा, क्या तू ही वो आने वाला था? क्योंकि वो सोचता था यदि यीशु मसीह ही परमेश्वर है तो वो मुझे छुड़ाने के लिए क्यों नहीं आया, और उसे ऐसा लगा कि मानो परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया हो। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। उसने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं त्यागूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, परंतु परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जितना प्यार माँ अपने बच्चे से करती है उससे कई ज्यादा प्यार परमेश्वर हमसे करता है। कई माएं अपने बच्चों को छोड़ देती हैं, अपने दूध पिलाने वाले बच्चों को त्याग देती हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, परंतु मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। हालांकि तुम्हें लगता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, परंतु परमेश्वर उस समय भी हमारे साथ में खड़ा है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद के बनाया है। ऐसे ही नहीं बनाया उसने मेरा चेहरा अपनी हथेली पर खोद करके बनाया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपना लहू इसीलिए बहाया ताकि वो हमें कभी न छोड़े, कभी न त्यागे, कभी न भूले। उसने अपने प्राणों को हमारे लिए इसीलिए बलिदान किया, उसने वो दुख वो दर्द इसीलिए सहा ताकि आप और मैं हमेशा की जिंदगी उसके साथ में गुजारें, उससे अलग न रहें, परमेश्वर और हमारा मेल हो सके। हमारे जीवनों में बहुत बार ऐसा लगता तो है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, परंतु हकीकत यह है परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर हर एक परिस्थिति में हमारे साथ में खड़ा होता है। उसने अपना हमारा चेहरा अपनी हथेली पर खोद करके बनाया है। एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, परंतु यीशु मसीह अपने डरवैयों को, अपने प्रेम करने वालों को, अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ सकता है। उसका यह वादा है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा।